हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर नेहा तनेजा। होपफुली एवरीवन इज फाइन। सो गाइस, आज इस सेशन में, इस टॉपिक में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिल्टर टॉपिक्स की, जो कि है मेथड्स इन बायोलॉजी। अगर आप CSIR नेट के सिलेबस में देखेंगे, यूनिट नंबर 13 पर इसका पूरा सिलेबस गिवन है। एंड कॉमनली हम टेक्निक्स के नाम से भी इस यूनिट को बुलाते हैं, टेक्निक्स के नाम से भी बुलाया जाता है, क्योंकि इसमें हम मेजरली टेक्निक्स के बारे में ही पढ़ते हैं। तो जो मैं लिस्ट आपको देने वाली हूँ वो मोस्ट फिल्टर्ड लिस्ट है, और ये केवल यूनिट 13 की या CSIR नेट की ही बात नहीं है, मल्टीपल जगह जो पेपर है, आपका गेट का पेपर है, DBT का है, ICMR का है, स्टेट के पेपर है, वहां पर इन सारे के सारे टेक्निक्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है। वैसे तो ये यूनिट बहुत ज्यादा वास्ट है अगर आप CSIR नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो, लेकिन मैं जो आपको टॉपिक्स दे रही हूँ वो आपको किसी हालत में नहीं छोड़ने, बिकॉज मैक्सिमम जगह आप उनको देखेंगे। जो भी फ्यूचर CSIR नेट एस्पायरेंट्स हैं, इफ दे आर कंसिडरिंग यूनिट 13, तो मेक श्योर इन टॉपिक्स को बहुत ब्यूटिफुली आप लोग प्रिपेयर करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, तो देखिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी से अगेन प्रोटीन सीक्वेंसिंग टेक्निक्स, काफी सारी टेक्निक्स हैं जहां से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ समय से अगर नोटिस किया जाए तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एक्सरे डिफ्रेक्शन, इसमें भी आपका जो बियर लैम्बर्ट्स का लॉ है, क्या लॉ है, क्या प्रिंसिपल है, ये हमेशा हर टेक्निक के पीछे देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, उसमें किस तरीके के रिएजेंट्स, या फिर अगर हम बात करें टूल्स, कुछ भी आप बोले, क्या मेथड ये यूज़ किया जा रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड एट लास्ट उसकी क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें पता है, इस तरीके से आप बांटकर चीज़ों को पढ़ते हो, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। सर्कुलर डाइक्रोजम से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, सो इट्स ग्रेट कि अगर आप इसको भी प्रिपेयर कर लेंगे तो। अगर मैं काफ़ी सारे पिछले पेपर्स को देखूँ एंड उसमें टेक्निक वाले पार्ट से बात करूँ, तो फ्लो साइटोमेट्री से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं। बेसिकली अगर हम पर्टिकुलरली सेल्स की को स्टडी कर रहे हैं, किसी पॉपुलेशन ऑफ सेल्स को या पार्टिकल्स को स्टडी कर रहे हैं, तो उनकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए फ्लो साइटोमेट्री का इस्तेमाल होता है ना। आप देखते हो कि काफ़ी सारे सेल साइकिल से भी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से बनते हैं। एंड अगेन कि टाइप ऑफ कैंसर सेल्स या फिर नॉर्मल सेल से कैंसर सेल का कंपेरिजन, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं यहाँ पर पूछे जाते हैं। अगेन अगर मैं दूसरे टेक्निक की बात करूं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस जो है, अगेन आपको पता है, DNA, RNA, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को साइज चार्ज के बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करने की एक टेक्निक है। हालांकि इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स आप देखते हो, जैसे आप 2D जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हो, है ना, कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हो, तो यहाँ पर भी कैसा रूल अप्लाई हो रहा है, किस तरीके का जेल है, किस तरीके के टाइप्स हैं, उनका क्या क्या डिस्टिंक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए। सबसे आसान चीज़ जो रिपीटेडली पूछी जाती है, वो पूछी जाती है ब्लॉटिंग टेक्निक्स, जैसे कि वेस्टर्न, नदन, सदन ब्लॉटिंग, उनके क्या स्टेप्स हैं, क्या एप्लीकेशन है, तीनों में कैसे वेरिएशन है, वो भी पूछा जाता है। तो बिल्कुल आपको ये सारे के सारे टॉपिक्स बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। इंपॉर्टेंट क्लासेस भी होती रहती हैं, जो मैं टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र पर इनका लिंक शेयर करती रहती हूँ, बहुत सारी फ्री क्लासेस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मेक श्योर आप चैनल से भी कनेक्टेड रहें। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते हैं। अच्छा, अगर मैं मॉलिक्यूलर मार्कर्स या डिफरेंट मार्कर्स की बात करूँ, तो मतलब बहुत कम ऐसा आपको दिखेगा कि वहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो छूटे हों। बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे, बिकॉज अप्लाइड बायोलॉजी में भी इसके जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे चीज़ें देखी जाते हैं, एंड इनमें डिस्टिंक्शन पूछा जाता है, जैसे कि आपको RFLP कितनी बार, RFLP, RAPD, AFLP में डिफरेंसेस पूछ चुका है, डोमिनेंस को डोमिनेंस के बेसिस पर, ठीक है। इसके अलावा भी हम देखते हैं और भी वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स देख रहे हैं, या इस तरीके से क्या क्या जो है आपका VNTR के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इनके बीच में जितने भी टाइप्स हैं, जितने भी डिफरेंसेस हैं,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंटली पूछे जाते हैं, ये तो आपको पता होने ही चाहिए, ठीक है। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट, ये आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ से कहीं ना कहीं सवाल आपको जो है मिल ही जाएगा। नेक्स्ट, जो 4 नंबर का क्वेश्चन काफ़ी बार देखा गया है, वो माइक्रोस्कोपी के टाइप्स पर, उनके एप्लीकेशन पर, ये भी बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि इसमें देखो आप बहुत सारे टाइप्स देखते हैं। ज़्यादातर जो टाइप्स पूछा जाता है, जैसे काफ़ी बार प्रिंसिपल एंड रेलेवेंट क्वेश्चंस कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी से आ जाते हैं, या फिर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी से, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स के क्या स्पेसिफिक लाइक रेजोल्यूशन पावर है, क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप्स, एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल, मतलब पूरा का पूरा टाइप्स इसके जितने भी हैं, वहाँ पर जो है सवाल आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी देख रहे हो, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, डार्क फील्ड, ब्राइट फील्ड, इनमें डिफरेंसेस आपको पता होने चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ सीक्वेंसिंग मेथड की, तो देखो डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड्स बहुत पहले से हम लोग पढ़ रहे हैं, काफ़ी सारे टाइप देखते हो, इसमें एक बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। जैसे कि बहुत फेमस से मेथड्स हैं, आप मैक्सम गिलबर्ट मेथड देखते हैं, और भी दूसरे मेथड्स देखते हैं, सैंगर सीक्वेंसिंग देखते हैं, ठीक है, किस तरीके के रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, क्या क्या इनके एप्लीकेशंस हैं, टाइप्स हैं, स्टेप्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस पीसीआर, कोविड जब से आया पीसीआर के बारे में लोगों को बड़ी जानकारी है, लेकिन नॉर्मल पीसीआर के स्टेप्स लोगों को पता होता है, लेकिन टाइप्स जैसे रियल टाइम पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर, थोड़ा सा एडवांस वर्जन में इसके बारे में भी क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो पीसीआर से रेलेवेंट स्टेप्स, व्हाट काइंड ऑफ एंजाइम्स, टेम्परेचर ग्रेडियंट दैट आर बीइंग यूज्ड, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स, व्हाट आर देयर फीचर्स, आपको इसके बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी ही चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक टॉपिक ऐसा है जो कि आपका लाइक यूनिट 4 इम्यूनोलॉजी में भी आप पढ़ते हो, सिग्नलिंग में भी आप पढ़ते हो, इसमें ज़्यादा नहीं तो कम से कम आपका एलाइजा, उसके टाइप, कॉम्पिटिटिव है ना, नॉर्मल, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इसके अलावा रिया, रेडियो इम्यूनो एब्जॉर्बेंट जो ऐसे हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं कुछ साइटोजेनेटिक टेक्निक्स के बारे में भी बात करूं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमेशा तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ थोड़ा सा ट्रेंडिंग में ये चीज़ें रहती हैं, फिश डिश बहुत आसान सी टेक्निक है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप फ्लोरोसेंट इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पर आप जीनोमिक इन सीटू हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। पर्टिकुलरली अगर मैं इनके बारे में बोलूँ क्रोमोजोमल लाइक एनालिसिस के लिए, या क्रोमोजोम, या फिर स्पेसिफिक जीन्स को, अगर आपको जीन मैपिंग करनी है, तो ये टेक्निक्स का इस्तेमाल होता है। अगेन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइक आप कह सकते हो डोमेन है जो रिसर्च फील्ड में आते हैं, जिसके लिए टेक्निक्स बहुत ही रिमार्केबल काम कर रही हैं, तो इनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हो सकता है पेपर में नहीं आए, बट इंटरव्यू में आपसे पूछ लिए जाए। अब देखिए, इतना आप कर लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट मैं बोलूँगी, क्योंकि ये यूनिट ऑलरेडी बेटा बहुत वास्ट है, तो कोई लॉजिक नहीं बनता कि आप ऑलरेडी चीज़ें जो हैं वो छोड़कर चलें, क्योंकि मिसलेनियस फॉर्म में भी जो है वो क्वेश्चंस आ जाते हैं। अब बायोस्टैटिस्टिकल मेथड्स में देखिए, एनोवा पर, काई स्क्वायर टेस्ट, टी स्क्वायर टेस्ट, पी वैल्यू, ई वैल्यू, थोड़े से बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डेटाबेसेस एंड ऑल दैट, वहाँ से भी सवाल बनते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, एरर रेंज के बारे में पूछा जाता है, कुछ बच्चे नहीं कर पाते, तो ये चीज़ आप ऑप्शनल रख सकते हैं, बिकॉज हमेशा तो नहीं देखी जाती, लेकिन जो बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वहाँ से क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। तो आप इस तरीके से चंक्स में, जैसे मैंने बताया है कि सबसे पहले तो टेक्निक कौन सी है, उसका नाम है ना ऑब्वियसली, उसके बाद किस प्रिंसिपल पर, यानी कि किस सिद्धांत पर वो काम कर रही है, कोई पर्टिकुलर रूल है, कोई नियम है, कोई लॉ है केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, जो उसके पीछे काम करता है, वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड चंक आप बना सकते हैं, पार्ट बना सकते हैं, कि उसके पूरे स्टेप्स क्या क्या हैं, किस तरीके से स्टेप्स वाइज चीज़ें होंगी, अगर कोई स्पेशल रिएजेंट्स उसमें यूज हो रहे हैं, या स्पेशल कोई टूल्स का इस्तेमाल हो रहा है जिनके कुछ फीचर्स हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। एंड एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उस पूरी की पूरी टेक्निक की एप्लीकेशंस क्या हैं वो पता होना चाहिए। एंड अगेन एक ऑप्शनल आप ये भी रख सकते हैं कंपैरिजन पॉइंट पर, यानी कि जैसे मान लीजिए अगर आप डीएनए सीक्वेंसिंग की बात करते हैं या प्रोटीन सीक्वेंसिंग की बात करते हैं, तो बहुत सारी टेक्निक हैं, उनके बीच में
अगर हम दूसरी टेक्निक्स के बाद साथ उनको कंपेयर करें तो क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस चीज़ है, हाउ अ पर्टिकुलर टेक्निक ए बी सी कोई भी टेक्निक आप पढ़ रहे हो वो दूसरों से बेटर है। अगर आप इस तरीके से डिवाइड करके पढ़ोगे तो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर होती चली जाएंगी। सो गाइज, दोज हु आर न्यू, आई एम वन ऑफ द एडुकेटर ऑन अन अकेडमी ऑल्सो। अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ पर मुझे नेहा तनेजा नाम से फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको कंप्लीट यूनिट 1 to 13 सेलेबस कंप्लीट करने को मिलेगा आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। आफ्टर टेकिंग द प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप वहाँ पर ले सकते हैं, जिसमें आपका कंप्लीट सेलेबस कवर होता है अलॉन्ग विद डाउट सेशंस। पीडीएफ फॉर्मेट्स में आपको नोट्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज इज देयर, रिकॉर्डेड सेशंस विल बी देयर, एंड अगेन एप्टीट्यूड पार्ट विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पढ़ाते हैं। अगेन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट्स मैं भी कम्प्लीटली वहाँ पर कवर कराती हूँ, स्पेसिफिकली फॉर CSIR, UGC नेट एंड अदर लाइफ साइंसेज एग्जाम ऑल्सो। तो आप वहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं इन केस इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेरी। एंड अगर आपको सारी नॉलेज है तो आप डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड, दैट इज सिंपली नेहा NEHA, टू गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फीस, चाहे वो प्लस सब्सक्रिप्शन हो चाहे वो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन हो। कोई और क्वेरी है तो आप मुझे डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। सो होपफुली ये फिल्टर्ड जो सीरीज है इट विल बी लाइक वेरी हेल्पफुल, एंड आप इन टॉपिक्स को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर करें एंड बहुत अच्छे रैंक के साथ पेपर क्लियर करें। मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।